नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। याकूब मेनन की याचिका खारिज, 30 जुलाई को हो सकती है फांसी। 1993 के मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेनन की फांसी का रास्ता मंगलवार को उस समय साफ हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने मेनन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। अब संभावना जताई जा रही है कि याकूब को 30 जुलाई को फांसी हो सकती है। इसके साथ ही याकूब के लिए राहत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। संसद सत्र की हंगामेदार शुरुआत, सुषमा के इस्तीफे की मांग। मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की शुरुआत आज हंगामेदार रही और ललित मोदी मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग की। हंगामे के कारण सदन की बैठक बार बार बाधित हुई और दोपहर 3 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सदस्य आनंद शर्मा ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उसने मर्यादा तोड़ी है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और चर्चा तुरंत शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चर्चा का जवाब देंगी। शांता कुमार का चिट्ठी बम, शर्म से झुका भाजपा का सिर। भाजपा के भीतर जारी असंतोष, अंदरूनी कलह उस समय खुलकर सामने आ गई जब पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने चिट्ठी बम जारी करते हुए कहा कि इससे हमारा सिर शर्म से झुक गया है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को लिखे पत्र में कुछ राज्यों में भी लग रहे आरोपों का जिक्र करते हुए ललित मोदी प्रकरण में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम आने और महाराष्ट्र में भाजपा की एक मंत्री पंकजा मुंडे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े विवाद का संकेत किया। गवाह को खरीदना चाहते थे आसाराम, ऑडियो से हुआ खुलासा। बलात्कार मामले में फंसे आसाराम की मुश्किलें उस समय और बढ़ गई जब एक ऑडियो टेप के माध्यम से उनके स्टिंग का दावा किया गया। इसमें आसाराम पर गवाह कृपाल सिंह को खरीदने का आरोप लगा है जिसकी पिछले दिनों ही मौत हो गई थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस को 15 मिनट का एक ऑडियो क्लिप पुलिस को सौंपा है। इसमें आसाराम बापू और कृपाल सिंह के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग्स है। उनका दावा है कि आसाराम ने गवाह को खरीदने का प्रयास किया था, इसमें विफल रहने पर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि आसाराम ने ऑडियो को फर्जी बताते हुए कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस भाजपा विधायकों के बीच हाथापाई। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में बहुचर्चित व्यापम घोटाले को लेकर आज विपक्षी कांग्रेसी विधायकों और सत्तारूढ़ भाजपा के विधायकों के बीच हाथापाई हो गई। व्यापम मामले में कांग्रेसी विधायकों द्वारा किए गए हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी थी। इसके बाद सदन के मुख्य द्वार के बाहर कांग्रेस के विधायक सुंदरलाल तिवारी व अन्य विधायक मीडिया से बातचीत कर रहे थे कि तभी भाजपा के विधायक सुदर्शन गुप्ता, रामेश्वर शर्मा और मनोज पटेल व अन्य विधायक कांग्रेस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई होने लगी जिसके कारण कांग्रेस के विधायक रजनीश ठाकुर और मधु भगत सहित कुछ मीडिया के लोग गिर पड़े। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।